हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंथेसिस क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जो कि पहले भी कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पहले ही आपके लिए एक बोर्ड में एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है। ये क्वेश्चन जो था लास्ट ईयर के कोऑपरेटिव बैंक के एग्जाम में आया था। अगर आप थोड़ी सी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए, कोई भी विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब आपको ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन बात यह होती है कि आप इस क्वेश्चन को करने में आप टाइम कितना ले रहे हो, मतलब आपकी अप्रोच क्या है। बस केवल मैं उसी अप्रोच को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपना टाइम रिड्यूस कर सकते हो क्वेश्चन को करने में। देखो, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अंडर रूट 19 प्लस फिर अंडर रूट 30 प्लस फिर अंडर रूट 32 प्लस 5, ये तीन अंडर रूट हो गए हमारे पास, इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि वाई की वैल्यू क्या है। तो आप देखो कि कोई बच्चा ऐसा, मतलब 100 में से अगर ये 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 100 के 100 बच्चों को ये क्वेश्चन कर देना चाहिए। ठीक है ना, बात यह है कि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट में कर रहा होगा, कोई 1 मिनट में कर रहा होगा, कोई आधा मिनट में कर रहा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 5 सेकंड में भी कर दे रहे होंगे, 10 सेकंड में कर दे रहे होंगे। तो बस आपको यही करना है कि आप इस क्वेश्चन को कम से कम कितने समय में कर सकते हैं जल्दी से बिना कुछ किए। अब देखो कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये सारा का सारा अंडर रूट है, मान लेते हैं जो भी है ये एक एक्स है, कोई एक वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 5 और ये क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो यानी कि इस पूरी वैल्यू का जो मतलब होगा वो रूट 25 होगा, तभी ये 5 हुआ होगा। ठीक है ना, रूट 25 का ही मतलब 5 होता है, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन मिलके 25 रहा होगा, रूट अंडर रूट 25। अब देखो, ये सबसे पहले हमारे पास है 19, अंडर रूट 19 प्लस, तो यानी कि ये जो पार्ट होना चाहिए 6 होना चाहिए, अंडर रूट 19 प्लस 6, अंडर रूट 19 प्लस 6 का मतलब हो जाएगा अंडर रूट 25, यानी कि इस पूरे पार्ट की वैल्यू मिलकर 6 होनी चाहिए, 6। तो अब आप देखो, रूट 30 प्लस ये, ठीक है ना। अब देखो, इस पूरे पार्ट की वैल्यू 6 होनी चाहिए, ये अंडर रूट में है पार्ट, तो 6 किसका अंडर रूट होता है, 36 का, यानी कि ये पूरा पार्ट मिलके 36 होना चाहिए। तो अगर ये 30 है तो 30 प्लस ये जो पार्ट है ये 6 के बराबर होना चाहिए, 30 प्लस 6 तभी ये अंडर रूट 36 होगा, और अंडर रूट 36 होगा तो तभी ये आपको 6 मिलेगा, तो 19 प्लस 6 अंडर रूट 25 हो जाएगा तो 5 होगा। तो आपको ये जो पूरा पार्ट है 30 प्लस, यानी कि ये अंडर रूट 32 प्लस 5 है, ये 6 के इक्वल होना चाहिए, तो ये 6 के इक्वल होना चाहिए तो y कितना होना चाहिए, 4, 32 प्लस y, 32 प्लस 4 इक्वल टू 36। तो आप देखो कि अगर y 4 होगा तो ये 36 हो जाता है, 36 का मतलब 6 हो जाएगा, तो 30 प्लस 6 अंडर रूट 36, अंडर रूट 36 यानी कि 6, तो फिर ये हो जाता है हमारे पास 19 प्लस 6, तो अंडर रूट 19 प्लस 6 का मतलब अंडर रूट 25 यानी कि 5, तो ये बस कितना हो गया y इक्वल टू कितना आ जाता है हमारे पास y इक्वल टू 4। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ digits ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8 एंड द डिफरेंस ऑफ नंबर एंड द नंबर obtained by reversing the digits ऑफ द नंबर इज 36। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक 2-digit नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 8 है। ठीक है, आगे वो बोल रहा है कि नंबर और उसकी डिजिट्स को प्लट के जो नंबर बनता है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 36 है। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12 है एक नंबर, 12 माने 21 है एक नंबर, और तो इसकी डिजिट्स को अगर मैं पलटता हूं तो ये 12 बन जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस जैसे 9 आ गया। ठीक है ना, इस टाइप से बोल रहा है। तो ये कह रहा है कि एक 2-digit नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट्स 8 है, और अगर हम नंबर और जो नंबर हमें नंबर की डिजिट्स को पलट के मिलता है उन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो वो 36 है, तो आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस भी लिखे हैं, पहला ऑप्शन है 26, 53, 62 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन है इसको सॉल्यूशन करने का तरीका, अब देखो क्योंकि मैं आपको ये टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा हूं कि मैं आपको बताऊं कि कैसे सॉल्यूशन करना है इसका, कैसे वो करता है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बेसिक फिलहाल थोड़ा सा आता है, आप 15-20 दिन के बाद एक एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, मेरे दिमाग में ये बात है। तो अब देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को मैं आपको ऐसा नहीं है कि मैं इक्वेशन के बेस पे सॉल्व करके बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में आपको कैसे जल्दी से जल्दी करना है। यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शंस भी हैं लेकिन अगर फिलहाल हम बात करते हैं कॉमन सेंस की, अगर ऑप्शंस भी ना हो, ठीक है ना, यहाँ पे तो खैर ऑप्शंस हैं वो बात बाद में करेंगे, लेकिन अगर ऑप्शंस भी ना हो तो हमारे पास सवाल यह है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 8, एक 2-digit नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट 8 है, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स क्या हो सकते हैं, जैसे अगर पहली डिजिट 1 है तो दूसरी डिजिट 7 हो सकती है,
सम ऑफ डिजिट्स 8 हो जाता है, ठीक है ना। अगर पहली डिजिट 2 है तो दूसरी डिजिट क्या हो सकती है, 6, 26 हो सकता है वो नंबर, हमारे ऑप्शन में भी है। अगर पहली डिजिट 3 है तो दूसरी डिजिट 5 हो सकती है, क्योंकि 3 + 5 = 8, सम ऑफ डिजिट हमें हमेशा 8 चाहिए, ठीक है ना। अगर पहली डिजिट 4 है तो दूसरी भी 4 हो सकती है, 44 हो सकता है वो नंबर, लेकिन 44 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 44 की डिजिट्स को पलटेंगे तो भी वो नंबर 44 रहेगा, तो फिर 44 और 44 का डिफरेंस तो 36 नहीं हो सकता, वो तो 0 हो जाएगा, तो 44 तो हो ही नहीं सकता वो नंबर। अगला हमारे पास, अगर पहली डिजिट फर्स्ट 5 है तो दूसरी डिजिट 3 हो सकती है, 53 हो सकता है, या 62 हो सकता है, या 71 हो सकता है, या 80 हो सकता है। तो ये 7 पॉसिबल नंबर है जिसमें सम ऑफ डिजिट्स 8 हो सकता है, ऐसे टू डिजिट नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट 8 है, तो ये 7 वो पॉसिबल नंबर है, ठीक है ना, ये वो 7 पॉसिबल नंबर हो सकते हैं हमारे पास। अब देखो वो आगे क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि नंबर और नंबर को पलट के जो पलट नंबर की डिजिट्स को पलट के जो नंबर बनता है उन दोनों का डिफरेंस, देखो नंबर और नंबर को नंबर की डिजिट्स को पलटने के बाद जो नंबर बनता है उन दोनों का डिफरेंस, इस नंबर का इस नंबर के साथ डिफरेंस, तो यार कि जो पहला नंबर है वो बड़ा होगा तभी वो दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है, तो सीधी सी बात यह है कि ओरिजिनल जो नंबर होगा वो हमारा 17 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम 17 की डिजिट्स को पलटेंगे तो वो 71 बन जाएगा, ठीक है, वैसे वो 26 नहीं हो सकता, 35 नहीं हो सकता, तो जो ओरिजिनल नंबर होंगे वो हमारे पास बड़े होंगे, जैसे 53 है, 53 की अगर मैं डिजिट्स को पलटता हूं तो वो 35 बन जाती है, लेकिन 53 और 35 का डिफरेंस तो 18 होता है, 36 नहीं होता, इसलिए 53 वो आंसर नहीं हो सकता। 62, तो 62 की अगर मैं डिजिट्स को इंटरचेंज करता हूं तो वो नंबर 26 बन जाता है, और 62 और 26 का डिफरेंस 36 हो जाता है, जो कि हमारे क्वेश्चन की दूसरी कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सम ऑफ डिजिट्स 8 है और नंबर की डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर बनता है उन दोनों का डिफरेंस 36 आ जाता है, तो वो कंडीशन भी हमारी सेटिस्फाई होगी, तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो 62 है, ठीक है ना। तो देखो एक मिनट, यही बात कि हमारे पास तो ऑप्शंस थे ही क्लियर, आप ऑप्शंस को भी चेक कर सकते थे, जैसे 53 की डिजिट्स को अगर मैं रिवर्स करता हूं तो 35 तो 18 आ जाता है, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यानी कि 53 हमारा आंसर नहीं है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 26 है, तो 26 और की डिजिट्स को अगर पलटता हूं तो रिवर्स नंबर जो है वो तो 62 बन जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए 26 भी आंसर नहीं होगा, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें पहली डिजिट बड़ी होगी और दूसरी डिजिट छोटी होगी, तो 62 इज अवर आंसर, ठीक है ना। तो देखो बात ऑप्शन, तो यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो विदाउट मेकिंग एनी इक्वेशन गो थ्रू ऑप्शंस, आप ऑप्शंस चेक करो और जो भी ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है आप उसके हिसाब से उसे सॉल्व करके अपना आंसर दो, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इन अ पार्टी देर आर 15 मेंबर्स, ठीक है ना, 15 लोग एक पार्टी में जाते हैं और ईच शेक्स हैंड विद अनदर, हर एक ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, तो जैसे एक गैदरिंग हुई 15 लोग वहां पे पहुंचे सबने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हुए। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस बात ये कि आपके अंदर थोड़ी सी अगर आपने कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़ा तो थोड़ा आप कॉमन सेंस से कर सको सारी चीजें। तो देखो जैसे अगर मेरे पास ही क्वेश्चन आता है, सोचो कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मेरी अप्रोच क्या होती, तो मेरी अप्रोच ये होती कि जैसे यहाँ पे 15 लोग हैं, 15 लोग कुछ ज्यादा हो गए, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया कि 6 लोग हैं पार्टी में, जैसे मान लिया कि ये 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है ना, लेट्स से कि पार्टी में 15 की बजाय 6 लोग हैं, तो आप देखो कि हुआ क्या एक्चुअल में, तो जैसे ए ने अब हैंडशेक किया, तो ए ने बी से भी किया, ए ने सी से भी किया, डी से भी, ई से भी, और ए ने एफ से किया, तो ए ने यानी कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितने हो गए, 5 हो गए, तो जब सबसे पहले ए ने हाथ मिलाना शुरू किया तो 5 हैंडशेक ए ने कर लिया। अब देखो बी हैंडशेक करता है, तो जब बी हैंडशेक करेगा तो वो ए से तो करेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ए और बी ने कर चुके हैं हैंडशेक, ए ने जब बी से किया तो बी ने ऑटोमेटिकली ए से कर लिया, ठीक है ना। तो अब जब बी हैंडशेक करता है तो वो किससे हैंडशेक करेगा, सी से कर लेगा, डी से कर लेगा, और ई से कर लेगा, और एफ से कर लेगा, तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक अब फिर से कितने हो गए, 4 और हो गए, 5 + 4 = 9 हो गए। अब देखो कि सी ने हैंडशेक करना शुरू किया, तो सी ऑलरेडी ए और बी से तो कर चुका है, क्योंकि जब ए ने किया था तो सी से भी किया था, और जब बी ने किया था तो भी सी से किया था, तो सी ऑलरेडी ए और बी से तो कर चुका है, तो सी किससे हैंडशेक करेगा, डी से करेगा, ई से करेगा, और एफ से करेगा, तो सी कितने हैंडशेक करेगा, 3,
वैसे अगर हम डी की बात करें तो डी तो सी किससे करेगा, सी करेगा डी से, सी करेगा ई से और सी करेगा एफ से, तो तीन हैंडशेक कर लेगा। और वैसे हम डी की बात करते हैं तो डी एबीसी से तो ऑलरेडी हैंडशेक हो चुका है, तो डी केवल ई से करेगा और एफ से करेगा, तो दो हैंडशेक और हो जाएंगे। और लास्ट में फाइनली ई किससे कर लेगा, ई एफ से कर लेगा, तो जब ई ने एफ से किया तो एफ ने ऑटोमेटिकली ई से कर लिया, तो एक हैंडशेक और हो गया। तो टोटल हैंडशेक कितने हो गए, 5 + 4 = 9, 3 = 12 + 2 = 14 + 1 = 15। तो अगर छह लोग हमारे पास थे, अगर हमारे पास छह लोग होते, इफ देयर वर 6 पीपल, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक वुड हैव बीन 15, 15 हैंडशेक टोटली हुआ होते। तो आप देखो छह लोग हैं तो 15 हैंडशेक हुए। तो अब देखो हम लॉजिक इसमें क्या दिखा सकते हैं, किस तरीके से हुआ कि जैसे ए ने, छह लोग थे शुरुआत में, छह थे तो ए ने अपने से एक कम से हैंडशेक किया, वैसे बी के टाइम पे अब ए हट गया तो पांच लोग बचे, तो बी ने अपने से एक कम से हैंडशेक किया। तो अगर हम इसको एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, सोचो जैसे अभी भी आप अगर फॉर्मूला ना बना पाओ, तो जैसे 15 लोग हैं तो बस आपको क्या ऐड करना है, 15 + 14 + 13 + 12 + 11 + 10 up to 1, आपने यही तो नंबर ऐड करना है ना, बस आप इनको ऐड कर लो, 15 से 1 से लेकर 15 तक के सारे नंबर ऐड कर लो आप। तो वैसे टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं n (n-1)/2। जैसे इस केस में 6 लोग थे तो 6 n (n-1)/2, 6 × 5/2, तो हमारे पास कितने आ जाते हैं, 15 हैंडशेक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही अगर 15 लोग हैं तो n (n-1)/2, 15 × 14/2, यानी कि 105, ठीक है ना। तो आपने क्या समझा कॉमन सेंस की, मतलब n (n-1)/2, तो देखिए आपका आंसर हो जाता है 105। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है, अब इन्होंने पेपर पे क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ, तो आप ऐसा मत सोच रहा है कि कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कोई चक्कर चल रहा है, मतलब आप नॉर्मली ये चार ग्रुप मानोगे, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप, तो आपको ये नंबर दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है कि यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन मुझे जब दिखाई एग्जाम में, ये लास्ट ईयर के कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा था लास्ट टाइम पे, तो कभी अब देखो कि क्योंकि जब ये क्वेश्चन बनाया जाता है, तो जब भी इस टाइप के रीजनिंग में कोई क्वेश्चन बनाया जाता है तो कई बार तो चीजें उस पर डिपेंड कर जाती है कि यार ये क्वेश्चन जिसने बनाया तो क्या उसने वो सारी चीजें सोची थी, पॉसिबिलिटीज कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज में इसका क्या आंसर आ सकता है, क्यों, क्योंकि कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे ये तो ठीक है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं आंसर, कोई भी नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन हो जाता है तो ये स्टूडेंट्स के लिए टाइम खराब करने वाली बात हो जाती है, क्योंकि जैसे जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार में देखा, तो अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तो आपको स्क्वायर और क्यूब्स के साथ फैमिलियर होना बहुत जरूरी है आपका। मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि जब आप भी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको मैथ्स के लिए एक स्टार्टिंग लेवल में सबसे पहले आपको किस चीज पर अपना हाथ एकदम स्ट्रांग बनाना होगा, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिखता है तो मुझे एकदम दिखने लग जाता है कि यार ये 1, ये 8, ये 27, तो यहाँ पे 64 हो सकता है, क्यों, क्योंकि 1 cube, 2 cube, 3 cube, 1 cube 1, 2 cube 8, 3 cube 27, तो 4 cube 64, तो इंस्टेंटली मेरे दिमाग में 64 आंसर आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 64 ऑप्शन में है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात यह कि नन ऑफ दीज नहीं था, और अगर नन ऑफ दीज हो जाता है तो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे के लिए कि यार कहीं उसने कुछ और सोच के तो नहीं बना दिया है। तो यहाँ पे कम से कम ये बात ठीक थी कि इस क्वेश्चन में नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं था, तो क्योंकि अब नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन नहीं है तो ये वाली पॉसिबिलिटी तो एकदम रूल्ड आउट हो जाएगी, तो 64 तो इसका आंसर फिलहाल नहीं है। तो बस आप यहीं पे सारी बात शुरू होती है कि आप क्या क्या सोच सकते हो। अब देखो जैसे 55 है, 1 आ रखा, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन के साथ अगर फैमिलियर हो तो 2 2 = 2, 4 = 8 आपके दिमाग में आता है, या 2 2 2 2 = 4 भी आता है कि मतलब 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 आ जाता है जैसे, तो देखो यही हो रखा है एक्चुअल में यहां पे। जैसे 55 है तो इन्होंने क्या कर रखा है, 5 / 5, जैसे 4 2 है तो यहां पे एक्चुअल में 4 / 2 है, 62 है तो ये 6 / 2 है, तो देखो 5 / 5 का मतलब हुआ 1, तो 1 का क्यूब इन्होंने कर दिया यहां पे, 1 cube = 1, वैसे 4 / 2 हुआ 2, तो 2 का क्यूब इसमें कर दिया 8,
ठीक है ना, 1 क्यूब किया इसने तो 1 आ गया, 2 क्यूब किया तो 8 आ गया, तो देखो 6 डिवाइड बाय 2 का मतलब हुआ 3, तो यहां पे उसने 3 का क्यूब कर दिया तो 27 आ गया। तो वैसे आप देखो 9 डिवाइड बाय 3 तो फिर से 3 आ जाता है, तो फिर से वो 3 का क्यूब करेगा तो 27 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन अ कोड लैंग्वेज नंबर 45 इज कोडेड एज 3, 35 के लिए कोड जो है वो 5 लिखा हुआ है, 6 के लिए जो कोड है वो 2 है, तो 34 के लिए कोड क्या होगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर के ये बैंक के एग्जाम में आ रखा था, तो अब देखो कि 45 को कोड 3, 35 को 5, 6 को 2 और 34 को क्या कोड दिया जाएगा। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है मुझे दिखता है आज तो थोड़ा सा वही है कि आपको कितना आप फेमिलियर हो नंबर्स के साथ। मैं जब अभी आपको तो अभी तो मैं थोड़ा वीडियो ऐसे ही बना रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली जब मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको डिटेल में बहुत सारी चीजें बताया करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप देखो कि थोड़ा सा आपको जैसे प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आपको उनके बारे में पता है, जैसे देखो 35 की बात करते हैं, 35 तो 35 को अगर मैं उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करता हूँ तो 5, 7, 35 और 7 में ब्रेक किया जा सकता है 30 को 5 को, वैसे 6 को 2 × 3 2, 3 × 6 में ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है ना। वैसे 34 है जैसे, अब 34 जो है 34 को 2 × 17 प्राइम फैक्टर हो गए 34 के, को प्राइम फैक्टर 34 के 2 × 17। अब जैसे 45 है, अब देखो थोड़ा सा दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, जैसे 45 है, 45 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करता हूं अगर जैसे तो 9 × 5 9 × 5 = 45 को प्राइम फैक्टर हो गए, लेकिन यहां पे 9 को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है 3 × 3 में, 3 × 3 = 9 × 5 = 45। अब कायदा ये कहता है कि जब आप कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं तो अगर जैसे ये क्वेश्चन मुझे किसी एग्जाम के लिए फ्रेम करना होता तो मैं 45 की जगह कुछ और ऐसा नंबर देता जो सिर्फ 2 क्रो प्राइम में ब्रेक किया जा सके, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि अगर बच्चा थोड़ा सा इस लॉजिक को सोचता है तो फिर वो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाता है कि क्या वाकई में उसने ऐसा सोचा या नहीं सोचा। जनरली देखो कि अब क्या है, जैसे 35 को 5 लिखा यानी कि जो 2 क्रो प्राइम में ब्रेक किया तो छोटा फैक्टर उसका आंसर कोड दे दिया उसने, 6 को उसने 2, 3 × 6 में ब्रेक किया तो उसने 2x का कोड दे दिया, वैसे ही 34 का 2 × 17 में ब्रेक किया जा सकता है तो 34 के लिए जो कोड हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बच्चे के दिमाग में डाउट आ जाता है कि यार इसके तो 3 फैक्टर हो गए, कहीं वो 9 तो नहीं, इस हिसाब से तो 5 दे देना चाहिए था उसे कोड, क्योंकि 5 × 9 भी तो उसके फैक्टर है। अब यहाँ पे ही थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अब ये थोड़ा सा एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता है जिसके लिए कि हम कुछ कह ही नहीं सकते कि एक्चुअल में उसने क्या सोचा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर हमें अब अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इस क्वेश्चन को इसका आंसर 2 कर देता। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको इस आंसर को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन उसने जिसने क्वेश्चन फ्रेम किया उसने ऐसा सोच के इसको आंसर दिया होगा, लेकिन उसे इस तरीके से आंसर क्वेश्चन को फ्रेम करना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा उसे 45 की जगह कोई दूसरा नंबर ले सकता था वो, ठीक है ना। तो आप इस ये आपके डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में आप इसका आंसर किस तरीके से दे रहे हो, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाते हैं कि जहां पे आपको एडिशनली अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिसीजन लेना पड़ जाता है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट ऑल्सो, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये लास्ट ईयर के ये ऑफिसर वाले एग्जाम में आ रखा था कोऑपरेटिव बैंक के, कि द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 20 एंड देयर प्रोडक्ट इज 40, तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स आप समझते ना, हिंदी में व्युत्क्रम बोल देते हैं उसे, जैसे x का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/x, 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ठीक है ना। उल्टा जैसे 5 का रेसिप्रोकल 1/5, ठीक है ना, 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3, ठीक है ना। एक्चुअल में तो ये वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब देखो जैसे क्वेश्चन है, आपको याद होगा कि जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था सबसे पहले कि सम ऑफ द डेट्स ऑफ अ 2D नंबर इज 8, ठीक है ना, अभी ऐसा क्वेश्चन किया था ना हमने। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक 2D नंबर है और उसका सम ऑफ डेट 8 है तो वो नंबर जैसे 1 और 7 17 हो सकता है, या 26 हो सकता है, या 35 हो सकता है, या 53 हो सकता है, बताई थी ना अभी ऐसी बात। आप देखो कि अगर हम इस क्वेश्चन में भी वही अप्रोच लगाने की कोशिश करें तो कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, अब दो नंबर्स हैं, दो अलग अलग नंबर्स हैं, उनका सम 20 है, तो अब देखो अब तो बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो जाएंगे, जैसे कि एक नंबर अगर 1 है तो दूसरा 19 हो सकता है, अगर हम सब पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो अगर एक नंबर 1 है तो दूसरा 19 हो सकता है क्योंकि दोनों का सम 20 हो गया, फिर अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर 18 हो सकता है, वैसे ही अगर फर्स्ट नंबर इज 3 द अदर नंबर कैन बी 17,
तो इतने 20 कॉम्बिनेशन तो हमारे पास यही हो जाते हैं अगर नंबर पॉजिटिव है, दोनों के दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो। और हो सकता है कि एक नंबर निगेटिव हो, जैसे अगर एक -3 है और दूसरा +23 है तो भी तो दोनों का सम 20 हो गया, ठीक है ना। तो हम इस केस में ऐसे वाले ऑप्शंस के बारे में नहीं सोच सकते कि हम ऐसे ऑप्शंस लिखना शुरू कर दें। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 20, तो इससे हमें, तो इस क्वेश्चन में देखो कि अब हम क्या कर सकते हैं। इससे तो हमें कोई हेल्प नहीं मिल रही है कि दो नंबर्स का सम 20 है, इससे हमें कुछ खास हेल्प नहीं मिल रही है। आगे वो कह रहा है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 40। अब उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो है 40 है। तो देखो कि अगर वो दोनों नंबर, अगर अगर इफ दे आर पॉसिबल, इफ बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि वो नंबर पॉजिटिव है भी या नहीं है, बट इफ दे आर पॉजिटिव, तो इफ दे आर पॉजिटिव एंड देयर प्रोडक्ट इज 40, तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि पहला नंबर 1 हो और दूसरा 40 हो, क्योंकि 1 × 40 40 होता है। तो एक नंबर 1 हो सकता है और दूसरा नंबर 40 हो सकता है, लेकिन ये हमारी पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे क्योंकि हमें सम ऑफ नंबर 20 चाहिए, इनका सम तो 41 हो जाएगा। वैसे ही 40 और कहां सकता रहता है, 2 × 20 = 40, 2 × 20 = 40, लेकिन अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो भी 20 नहीं होता, ये तो 22 हो जाता है। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, 5 × 40 हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 5 + 8 = 13 हो जाता है, और अगर हम 40 के और प्रोडक्ट देखें तो आसपास हमें ऐसे और नंबर मिलते नहीं है, 10 × 40 मिलता है, ठीक है ना, लेकिन इनका सम भी 20 नहीं होता, यानी कि हमें इससे भी हेल्प नहीं मिलती है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारे टाइम पे क्या होता है कि जब बच्चे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो इन दोनों को सोचने के बाद सोचने लग जाते हैं कि यार ये कहीं क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर तो नहीं होगी। तो अब यहीं पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे अच्छा क्वेश्चन लगा, मतलब कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सिंपल है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई बहुत ज्यादा टफ है, सिंपल है, लेकिन कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जो जब एक बच्चा अच्छी तैयारी करता है तो वो सारे क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड या लॉजिकल करने की कोशिश करता है, लेकिन यहां पे अगर उसके अंदर उसको थोड़ी मैथ्स आती है तो वो यहां पे इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएगा। तो कैसे करा जा सकता है इस क्वेश्चन को, तो देखो क्योंकि हमें इन दोनों से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो अब सीधी सी बात है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। इस क्वेश्चन का जो कैच पॉइंट है वो ये है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, हमें उनके रेसिप्रोकल का सम बताना है। इसके जो ऑप्शंस थे वो मैंने यहां पे नहीं लिखे क्योंकि ऑप्शंस भी वो एक तो नॉन ऑफ दिस था उसमें, और एक फाइव, ये क्या कहते हैं, एक का एक ऑप्शन 5 था शायद, और एक ये फ्रैक्शन में था, ठीक है। तो अब जो क्लियर बात है कि जैसे उसने सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स पूछा, तो अब मेरे दिमाग में सीधा आ जाता है कि अगर वो नंबर एक्स है, एक नंबर एक्स है और दूसरा 5 है, तो वो मुझसे 1/x + 1/y पूछ रहा है, ये मुझे बताना है क्योंकि सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। तो अगर वो नंबर एक्स और वाई है तो एक्स का रेसिप्रोकल 1/x हो गया और वाई का रेसिप्रोकल 1/y हो गया। तो बस अब क्योंकि वो मेरे दिमाग में क्लियर बात आ गई कि वो ये पूछ रहा है और उसने मुझे ये दोनों चीजें दे रखी है, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, तो बस अब आप इस चीज को सॉल्व करते हो तो जैसे एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई हो जाता है, तो यहां पर आ जाएगा वाई, यहां पर आ जाएगा एक्स, तो देखो वाई प्लस एक्स यानी कि सम ऑफ नंबर्स, एक्स इंटू वाई यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, तो क्या हो गया सम ऑफ रेसिप्रोकल्स 1/2। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बात वही है कि अगर आपके दिमाग में केवल ये आ जाए कि हमें ये दोनों चीजें गिवन है, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई गिवन है और हमें ये पूछा, और आप ये पूछने के बाद आपके दिमाग में क्लियर आ जाए कि मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास ये सम ऑफ नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ नंबर को ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर बात। तो आपने देखा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया है जो कि छूट जाता है बहुत सारे बच्चों से, तो अगर आपने इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर दिया तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन करते हैं, यहां पे लिखा है कि 325 = 16, मतलब 325 + 16 इफ 713 = 10, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 526। देखो ये क्वेश्चन भी यही लास्ट ईयर लास्ट टाइम के कोऑपरेटिव बैंक के JVM वाले क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आ रखा था। अब देखो बात यह है कि ये क्वेश्चन आप इसको सिंपल मानो, डिफिकल्ट मानो, कुछ भी, मतलब ना मैं इस क्वेश्चन को कोई बोलूंगा कि बहुत इजी है, ना इसे मैं बोलूंगा कि बहुत डिफिकल्ट है। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए उठाया है कि मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि जो सोचने का जो लेवल होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप इस टाइप के क्वेश्चन पे जिसे हम कोडिंग डिकोडिंग एनालॉजी रीजनिंग वगैरह में कुछ भी बोल सकते हैं, तो कुछ फिक्स लॉजिक नहीं होता
कि आपने 10 ट्रेनर रट लिए और आप क्वेश्चन को कर रहे हो, सारी बात है कि आप कितना सोच सकते हो। अगर आपको देखो कि नंबरों से खेलने की आदत है, नंबरों से खेलने की आदत मतलब कि एक अच्छा मैथमेटिशियन जो होता है, जो बच्चा मैथ्स में ठीक ठाक होता है, तो मतलब उसको नंबरों से लगाव होता है अलग से, मतलब नंबर देख के ही उसके दिमाग में 50 चीजें आने लग जाती है। तो वैसे ये कि आप देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप इसका लेवल आप ही डिसाइड करना कि ये इजी है या डिफिकल्ट है। लेकिन देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मेरे दिमाग में तो सिंपल से दो लॉजिक आए और दोनों लॉजिक से सेम आंसर आया। एक तो देखो कि आप पता नहीं जैसे इस, अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिया है तो पहले इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप इसे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर आप देखो कि आप इसको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा रहे हो और क्या आपने उतने टाइम पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर भी दिया या नहीं, और अगर नहीं किया है तब फिर आगे आप इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो समझ में आई बात कि इस मेरे सॉल्यूशन से पहले आप इसे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जो मेरा आंसर है वो ये है कि एक तो है कि सम ऑफ दीज टू डिजिट्स इंटू मिडिल डिजिट, 5+3 8 इंटू 2 16, 3+7 10 इंटू 1 10, 6 5 11 इंटू 2 22, ठीक है ना। एक तो लॉजिक ये है कि सम ऑफ एक्सट्रीम डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय द मिडिल डिजिट, दूसरा लॉजिक ये है थ्री इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 3 2 6, 5 इंटू 2 10, इन दोनों का सम 16, 7 1 7, 3 1 3, 7+3 10, 5 2 10, 6 2 12, 10+12 अगेन 22, ठीक है ना। तो देखा मतलब आपने, मतलब जो मैंने एग्जाम में ये आज आपके पास कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं वो सिर्फ यही समझाने के लिए उठाए हैं कि आप ये देखो कि क्वेश्चन का कोई डिफिकल्टी लेवल और इजी, हम किसी ऐसा नहीं बोल सकते कि क्वेश्चन ये इजी था और क्वेश्चन ये डिफिकल्ट था, सारी बात है आपकी अप्रोच की और आपके बेसिक्स की। अगर आपके पास बेसिक्स ठीक है तो आपको ये डिफिकल्ट क्वेश्चन भी इजी लगेगा, और अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं या आपका लॉजिकल अप्रोच नहीं है तो आपको सिंपल से क्वेश्चन में भी आप फंस जाओगे। तो कॉम्पिटिशन तो सारा का सारा जो है वो तैयारी का खेल है कि आपकी तैयारी कितने लेवल पे है। और देखो एक चीज और बोलना चाहूंगा कि हमेशा जो पढ़ाई होती है, स्टडी जो होती है, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। आप जितने सही तरीके से इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न उतने ही अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो मेरी बात याद रखना, ये वाली बात कि इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगा और जल्दी आपके साथ एक नया वीडियो लेके आऊंगा। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक आप तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें। एक बात और, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने साथी स्टूडेंट्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।